जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, इस संसार में व्यक्ति यदि पूजा जाता है तो उसका एकमात्र कारण होता है उसके कर्म। व्यक्ति अपने कर्मों से ही पूजा जाता है और व्यक्ति को अपने कर्मों से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। वो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। अब ये जो कर्म का निर्धारण है कि आप कैसे कर्म करेंगे, ये जाता है कि आपकी सोच कैसी है, क्योंकि व्यक्ति वही कर्म को अंजाम देगा जैसा वो सोचता है। अब वो सोचता कैसे है ये डिपेंड करता है कि किस देवी देवता का उस पर ज्यादा आधिपत्य है या वो किस देवी देवता को मानता है, इस पर आधार है उसके कर्मों का। तो यदि इसकी बात की जाए तो संसार में एक देव ऐसे हैं जो कभी भी अपना कर्म नहीं चूकते, और वो है सूर्यदेव। जी हाँ दोस्तों, और उनका वार है रविवार। तो यदि आप उनको प्रसन्न करते हैं तो आपकी सोच में भी परिवर्तन आ जाएगा, आपके कर्मों में भी परिवर्तन आ जाएगा, और आप हर जगह लिटरली पूजे जाएंगे। पूजे जाने का मतलब होता है कि लोग आपका इंतजार करेंगे। यदि कोई बड़ी बात है तो वहां पर आपको बिठाया जाएगा, आपसे राय रास्ता लिया जाएगा, आपकी बातें मानी जाएंगी। यही होता है कि इंसान का पूजा जाना। तो इसी पर मैं आज आपको बताता हूं कि आप क्या उपाय करें कि जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो। तो सर्वप्रथम रविवार के दिन, बाकी और कोई दिन ना कर सके तो कोई बात नहीं, रविवार के दिन हमेशा सूर्योदय के पहले उठे। स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद सूर्यदेव को एक लोटा तांबे के पात्र में जल अवश्य अर्पित करें। कोई मंत्र नहीं आता, ओम सूर्याय नमः बोल दें। रविवार के दिन कभी भी काला कपड़ा न पहने, इससे कर्जा बढ़ सकता है, नौकरी धंधा छूट सकता है, मान सम्मान में हानि आ सकती है। तो रविवार के दिन कभी भी काला कपड़ा न पहने। रविवार को एक समय तो ऐसा ही रखें कि जब आप सिर्फ सफेद भोजन लें। आप अनाज ले सकते हैं, खीर ले लें, दूध ले लें, कोई भी चीज ले लें, लेकिन एक समय नियम ले लें कि एक समय आपको सफेद भोजन लेना ही लेना है। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आएगा, बहुत जबरदस्त। इतना जबरदस्त परिवर्तन आएगा कि आपके कामकाज की जगह से लेकर घर परिवार समाज में हर जगह आपके नाम की बोलबाला हो जाएगी। हर जगह आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ एक काम और करें कि रविवार के दिन तय करें, निश्चित करें, निर्णय ले लें कि सफेद ही वस्त्र पहनेंगे, डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे। यदि सफेद वस्त्र उस दिन उपलब्ध नहीं हो पाते किसी रविवार को, तो लाइट येलो कलर के कपड़े पहने और एक सफेद रुमाल तो अवश्य अपने पास रखें। इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, एक सफेद रुमाल लें और उसको हमेशा अपने पास रखें, और उस रुमाल को इस तरह से रखें कि जरा सी वो रुमाल बाहर दिखती रहे। बस दोस्तों, इतना करने से बहुत ही गजब का परिवर्तन आएगा और हर जगह आपके काम बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश।